मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। पेश है आज नई एक वीडियो में। बैकग्राउंड से समझ ही गए कहाँ पे आए हैं आज हम। तो हाँ भाई, KTM ड्यूक, और ड्यूक जो सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रही है इस टाइम, 125 cc वाली, जो नया वर्ज़न आया है वाइट एंड ब्लैक में, तो काफ़ी डिमांड में चलती है। तो आज हम उसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्या क्या सिस्टम लगाया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ड्यूक के अंदर में, मीटर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो हम थोड़ा सा कैमरा घुमाते हुए, विजय भाई ज़रा देखो हमारी ब्यूटी। ब्यूटी देखो, और मैं आपको इसमें पहले आपको सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ। आप पहले सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो, फिर उसके बाद फिर मिलता हूँ अभी मैं। तो कैसे लगे आपको सिनेमैटिक्स? होप सो अच्छे ही लगे होंगे। आजकल सिनेमैटिक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो आते हैं सीधा बाइक पे, तो देख रहे होगे लुक में आपको देखने में कैसी लग रही है अपनी 390 की तरह फ्रंट से। तो हमारी जो लाइट, सबसे पहले जो इसके अंदर जो मेन चेंजेस करा है, हमारी जो लाइट चेंज करी है ये 200 में भी और 125 में भी, जो ये है इसके अंदर लाइट चेंज करी है, पर मीटर वही दिया है छोटे वाला। और इसमें जो कलर चेंजेस करे हैं आप देख रहे होगे, वाइट एंड ब्लैक, मेरे को देख के तो मतलब खड़ी हुई लग नहीं रही है, 125 है, मेरे को ये लग रहा है कि 135 खड़ी हुई है लुक वाइज। और दिखने में फ्रंट से बैक से, फ्रंट की जो LED इन्होंने रखी है काफ़ी अच्छी है, नाइट के टाइम पे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसकी जो ये लाइट है काफ़ी प्यारी है, और उसके बाद जो इन्होंने इंडिकेटर जो लगाए हैं, वाकई KTM के तो डिमांडिंग में रहते हैं इंडिकेटर। और धीरे धीरे अगर जैसे कि हम ऊपर आते हैं, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने मिरर, ये जो मिरर का इन्होंने चेंजेस किया है काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले वाली से काफ़ी चेंज करा है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। स्विच वगैरह काफ़ी वही पुराने वाला है सब कुछ, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं करा है। जो मेन चीज़ है इनका लाइटिंग और इसका कलर पे चेंज किया है, बाकी ये भी सब वही है। टैंक भी इन्होंने 13 लीटर का टैंक ही दिया, अभी भी 13 लीटर का टैंक है। सीट में थोड़ा सा काम किया है, ये देखो पीछे की जो बैक लाइट है, बैक लाइट में भी काफ़ी काम करा है, 390 वाली लुक दी है उसको पूरी की पूरी, जो हमारी 390 की लुक आती है। ये देखो यहाँ से जो लाइट है, पूरा सब कुछ चेंज करा है। दिखने में मतलब आप 200 भी फेल लगती है खड़ी हुई में भी, ऐसा लगा 390 है। जैसे कि टंकी आपने देख लिया, 13 लीटर का टैंक है। और इसी के साथ हम नीचे आएंगे, ये इन्होंने यहाँ पे फ्यूल कूलेंट वाला दिया है इन्होंने 125 के अंदर में भी, और ये जो इन्होंने क्रैश गार्ड दिया है, इसका लैग गार्ड जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी छोटा है यार, मतलब मैं चाहता अगर थोड़ा सा और बड़ा होता तो हमारी ये चीज़ कवर कर लेती, तो ये गिरेगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के अंदर में भी, ये हमारी चीज़ आ सकती है, पर इसको थोड़ा सा और हो जाता, बट काफ़ी अच्छी है, कंपनी वाले ने कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। बाकी फुटरेस्ट सब सेम है, इंजन वाइज वही 125 वाला है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। जो मेन चीज़ इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है इसकी बॉडी पे, इसकी बॉडी बैक और फ्रंट की जो हमारे इन्होंने चेंजेस करी है, बैक लाइट इसकी काफ़ी है, देखो
पहले अलग सी दिखती थी, छोटी सी, अगर आपने देखी हो तो, जैसे 200 में आती थी वैसी 125 में भी आती थी, पर इन्होंने बैक वाले को पकड़ने के लिए भी सपोर्ट दिया है। अगर अगर आपको इस पर ऑफ रोडिंग भी करनी है तो ऑफ रोडिंग के लिए आप इसको निकाल भी सकते हैं, अपने पैनियल या सैडल बैग वगैरह कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 390 लेना चाहते हैं और वो ले नहीं पा रहे हैं तो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया बाइक है। और हाइट वाइज मैं दिखा देता हूँ, सीट काफ़ी, मैं कहता हूँ ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है। मेरे को देखो हल्का सा पंजा ऊपर करना पड़ रहा है, 5-7 मेरी हाइट है उसके लिए थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है, बट चला सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर एक पैर मैं ऊपर रखूँगा तो चला सकते हैं। और थोड़ा इधर, काफ़ी अच्छी बाइक है ऑफ रोडिंग के लिए भी। तो जिनकी हाइट 5'4" है या 5'5" है तो वो बाइक भी चला सकते हैं, वो ये बाइक भी ले सकते हैं। काफ़ी सस्ती बाइक में है, मतलब 1 लाख के अराउंड में अगर आपको बाइक चाहिए, अगर आप 390 के अंदर में जाना चाह रहे हैं और वो नहीं ले पा रहे, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ये बाइक ले लें, क्योंकि यार सब चीज़ मिल रही है इसमें। एवरेज अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 40+ की आपको एवरेज मिलेगी। और जैसे कि हम भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे नेकेड बाइक में जो डेली वेज चलाने वाले बंदे हैं, और लुक भी चाहिए साथ में, जैसे कैसे कहते हैं ना KTM के फ़ैन हैं, तो ये यार ये उन लोगों के लिए बनाई गई है। इसकी लाइट बड़ी प्यारी है, नंबर प्लेट लग जाएगी। अगर आप इसके ऊपर, मैं कहता हूँ बबल वाइज़र भी लगाना चाहो तो वो भी एक्स्ट्रा लग जाता है, इतने वाला छोटे वाला इसमें लगता है। पर इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है डेली वेज में, ऑफ रोडिंग भी अगर आप इसमें करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टायर ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसमें, डिस्क जो दी हुई है दोनों की ऑलमोस्ट बढ़िया है। अगर आपको, मैं कहता हूँ कि अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसके स्टिकर निकालो और 390 वाली फील लो। मैं कहता हूँ कोई खड़ी हुई बता नहीं सकता कि ये 390 खड़ी है, क्योंकि इसकी जो लुक है, सिर्फ ये स्टिकर इसके बोल रहे हैं कि मैं 125 cc की हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ये स्टिकर निकाल के 390 वाले स्टिकर लगा देते हो तो कोई कह नहीं सकता। बस जो बंदे नए हैं उनको पता है इनका मीटर चेंज हो गया, पर पुरानी वाली का मीटर भी सेम था। मैं स्टैंड लगा देता हूँ, नहीं तो अपनी वाली की तरह ये गिर गई तो महंगी पड़ जाएगी। तो केयरफुली स्टैंड लगाते हुए, तो यार लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है इसमें। मैं कहूँगा कि अगर कोई बजट में लेना चाहता है बाइक, डिनर में एवरेज डेली वेज में चलाना चाहता है, तो ये सबसे बढ़िया बाइक है। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द ले लो, क्योंकि 40 की एवरेज मिल जाएगी, 40+ ही मिलेगी। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से थ्रोटल देते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि कार्बोरेटर नहीं है, इंजेक्टर है। इंजेक्टर आप जिस तरीके से थ्रोटल दोगे उतना आपको एवरेज मिलेगा, ज़्यादा भी अगर दोगे तो कम मिलेगी, अगर थ्रोटल कम रख के चलोगे एवरेज लेके चलोगे। जैसे कि इसकी PHP पावर जो है 14 PHP पावर है 9250 पे RPM पे, उतने में लेके चलोगे तो आपको 40 की एवरेज आराम से मिलेगी, जो कंपनी वाले बोलते हैं हमारे को। और अदरवाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया अच्छा लगा होगा। तो हम बात करते हैं अब इसकी पेमेंट की, कि पेमेंट हम किस हिसाब से करें। तो मैं सीधा मिलवाता हूँ डायरेक्ट यहाँ के जो मैनेजर हैं हमारे मनोज जी, जो हमारे मनोज जी मैनेजर हैं उनसे मैं मिलवाता हूँ, और वो बताएंगे हमारे को कि कितनी हमारे को डाउन पेमेंट देनी है इसकी और कितनी हमारी EMI बनेगी। तो 2 शोरूम है यहाँ पे, बजाज के और KTM के, तो दोनों चीज़ें होती हैं। और ये जो जगह है CPG कॉलेज है उसके ठीक अपोजिट में है, नरेला के अंदर। तो हम यहाँ के जो KTM के जो हमारे मनोज जी हैं हमारे मैनेजर, तो हम सीधा उन्हीं से मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं। ये हमारे मनोज जी हैं। तो मनोज जी कैसे हो आप? ठीक है। तो हम आपकी बाइक का थोड़ा सा ये पता करना चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं तो उनको पेमेंट लेनी हो, जैसे कि पेमेंट में बात करनी है हमारे के, सबसे पहले हम डाउन पेमेंट की बात करेंगे, तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट में होगा अगर हम इसमें बात करें तो? मैक्सिमम आपकी कम से कम डाउन पेमेंट जो आएगी वो आएगी आपकी 37,000-38,000 तक, लास्ट कम से कम आ जाएगी। ओके। और 37,000 रुपये, 37,000 रुपये या फिर 37 से अबाव अगर आप जितना ऊपर देते हैं। पहले हम बात करते हैं टोटल, मतलब ऑन रोड हमारे को कितने की पड़ेगी? ऑन रोड आपको पड़ेगी 173,600। 173 यानी कि 173 की हमारे को, 173,600 कुछ की ऑन रोड पड़ेगी आपको, ऑन रोड ही हमारे को पड़ेगी। तो भाई 173 की हमारे को ये पड़ जाएगी ऑन रोड,
और डाउन पेमेंट जो हम सर बता रहे हैं हमारे 37,000 से 40,000 रुपये के आसपास आपको लमसम पड़ जाएगी। मतलब 37,000 से लेके 40,000 के बीच में अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हो, कम से कम, ये कम से कम है ना, कम से कम में अगर आप ये दोगे, अगर ऑलमोस्ट लेके चले जैसे 40,000 हम डाउन पेमेंट करते हैं, तो हमारी जैसे कि 2 साल की किस्त लेके चलते हैं तो कितना आएगा? 2 साल की आपकी किस्त जाएगी कम से कम, नहीं भी तो कम से कम 4,500 से 5,000 रुपये के आसपास। 4,500 से 5,000 के आसपास में हमारी जो EMI जाएगी, तो यार सही है, इतना तो बनता है। बाकी बाइक काफ़ी अच्छी है, और जैसे कि 1 साल की या 3 साल की हम अगर एक्स्ट्रा और लेके चलते हैं, तो अगर 3 साल के लिए जाते हैं तो वो आपकी वही 4,400 के आसपास 4,000 के आसपास। मतलब यार ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बाकी आपके ऊपर है, बाकी सिविल पर डिपेंड करता है मेन भाई, आपका सिविल डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका सिविल अगर 750 या 800 से ऊपर होगा, राइट, तो आपको डाउन पेमेंट में भी काफ़ी रियायत मिल जाएगी, और डाउन पेमेंट और कम हो जाएगी। EMI तो फिर वो आपके ऊपर है, ज़्यादा अप्रूवल करेगी, बिल्कुल आपको लोन भी और एक्स्ट्रा दे सकती है। तो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो, मनोज जी से भी अच्छा लगा होगा, और बाइक तो हमारी है ही अच्छी। बाकी तो मनोज जी चलते हैं, और बाकी हम कहना चाहते हैं कि आपका नंबर डाल दें वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो ताकि जो भी इंक्वायरी हो आपके पास ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना झेल नहीं पाऊँगा क्योंकि लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, आप अच्छे से बता पाओगे हमारे बंदों को कि क्या डिमांड रहेगी, क्या डाउन पेमेंट रहेगी जो भी। और भाई बाइक अगर आपको अच्छी लगे तो यार मेहनत कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया हैं, और जगह मैंने आपको बताई दी है हमेशा की तरह, CPG कॉलेज है सामने, उसके ठीक KTM बजाज और हसवर्णा हमारी जो बाइक हैं वो सारी अवेलेबल रहती है, और बाकी जो बाइक चाहिए हो वो अवेलेबल करा देंगे हमारे मनोज जी। बाकी टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। मनोज जी हमारे कुछ कहना चाहते हैं, मैं बीच में रुक गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अरे थैंक यू। चलिए अब तो लाइक कर देना, भाइयों ने भी बोल दिया है, सपोर्ट है बिल्कुल बराबर। तो मिलेंगे फिर दोबारा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।